हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय सिंह और आप देख रहे हैं अजय सिंह मिस्टीरियस वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, तो चलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लाया हूँ, एक ऐसी पहेली लाया हूँ जिसका जवाब आपको देना हो सकता है आसान, परंतु आप दे नहीं पाएंगे। क्या आपको पता है मधुमक्खी अपना 1 सेकंड में कितने देर पर पंख फड़फड़ा सकती हैं? सोचिए और बताइए। मैं आपको देता हूँ कुछ सेकंड के लिए टाइम, वेट। बताइए 1 सेकंड में कितने बार लगभग अपने पंख फड़फड़ा सकती हैं? सोचिए, मैं बताता हूँ। एक मधुमक्खी 1 सेकंड में लगभग अपने 1000 बार पंख फड़फड़ा सकती हैं। इसी के चलते अपना बैलेंस जो होता है बरकरार रखती हैं और फूलों का रस एंजॉय करती हैं और उसमें हमारे लिए मध तैयार करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शहद। क्या आपको पता है पहला कैमरा कौन सा था जिससे उसमें फोटो खींचने में कितना टाइम लगता था? तो ये आपके सामने है। इस कैमरे में आपको फोटो क्लिक कराने के लिए लगभग 10 घंटे तक वेट करना पड़ता था, इसके सामने मुंह बना के खड़े रहना पड़ता था, तब जाकर कहीं इसमें एक पिक क्लिक होती थी। और ये 1885 में आया था, मेरे लिए बहुत खास था। फिलहाल नहीं है। सोच लिया, क्या आपको पता है बॉलीवुड के जो, सॉरी बॉलीवुड नहीं, WWE के जो जॉन सीना हैं, उनको मकड़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यही यही बंदा है, ये बड़े बड़े पहलवानों को तो धूल चढ़ा देता है, पर इसको इस छोटे से मकड़ी से डर लगता है? ये तो एक फैक्ट हो गया यार। सोच लिया, हमें क्या, जो डरता है डरने दो, कुछ करे कुछ भरे। क्या आपको पता है इंसानी दिमाग कितने 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 कैपेसिटी का हो सकता है? वैसे तो हम मानते हैं इंसानी दिमाग अनलिमिटेड हो सकता है, पर ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि इतना कोई स्टोर ही नहीं कर सकता अपने दिमाग में। लगभग हम अपने पूरे जिंदगी में एक इंसान, नॉर्मल इंसान, लगभग 512 MB तक यूज़ कर सकता है। और जो हाई लेवल के आते हैं, जैसे IAS ऑफिसर हो गए और कुछ बड़े बड़े हो गए, डॉक्टर हो गए, ये लगभग अपना 1 GB तक यूज कर लेते हैं। और पूरी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग इसका 2 लाख GB तक होता है।